फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आज अभी तक आपने मेरी सब वीडियो देख लिए होगी। बहुत सारे लोगों ने देखा है, कमेंट्स किया है और सब्सक्राइब भी किया है। बहुत बहुत थैंक यू सबने सब्सक्राइब किया है। जिसने जिसने नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम मास्क बनाएंगे। मैं आपको आज मास्क कटिंग बताऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। ठीक है, तो आज हमें कौन सा मास्क बनाना है, मैंने पहले ही आपको दो तरीके के मास्क बता दिए हैं। तो ये हम आज वेलक्रो वाला बनाएंगे, आपको वेलक्रो वाला बताएंगे। तो आज हम चालू करते हैं वेलक्रो वाला मास्क बनाना। उसके पहले मैं चालू करूँ वीडियो, मैंने मास्क पहले भी बता दिया है, तो वही नाप से हमें बनाना है। तो वही डायग्राम मैंने यूज़ किया है वापस इसमें भी, तो यही डायग्राम आपको बनाना है। तो आप मेरे पहले जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले भी ये वाला उसका पूरा डिटेल में बताया है, नाप कैसे लेना है और कैसे कटिंग करना है। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में उसकी वीडियो बताई थी आपको, तो प्लीज़ जाके ये देख लेना और उसके बाद ये कटिंग करना, और उसके बाद ही ये वाला मास्क आप कटिंग कर सकोगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है उसे हमें फोर फोल्ड में रखना है। इसे हमें ये दो फोल्ड हुआ है, दो फोल्ड होने के बाद ये हमारा चार फोल्ड हुआ है, ये फोर फोल्ड हुआ है, 1, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारा मास्क यहाँ पर आना चाहिए पूरा। ये देखिए पूरा आ रहा है हमारा मास्क यहाँ पर। ठीक है, ये मास्क की पूरी कटिंग हमारी परफेक्टली आ रही है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से हमें 14 इंच नीचे तक जाना है। यहाँ से हमें 14 इंच नीचे जाना है, ये देखिए 14 इंच। ठीक है, और हमें यहाँ से इसको इसे मार्क करना है। ये जो मैंने मार्क किया है पहले, ये देखिए हमको यहाँ पर सिर्फ उसको मार्क करना है। ये जैसे डायग्राम बना हुआ है वैसे ही हमें उसको मार्क करना है बस। ठीक है, ये देखिए, और ये 14 पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर इसका जो भी है, तीन है, तो वैसे ही हमें यहाँ तीन का आधा करना है, डेढ़ देर आएगा, तीन का आधा डेढ़ इंच आएगा। ठीक है, डेढ़ इंच में हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, और वहाँ पर ही हमें यहाँ पर भी डेढ़ इंच, वहाँ पर भी हमें एक एक इंच दोनों तरफ जाना है, एक इंच सवा इंच जितना, मतलब यहाँ जाना है, सवा इंच यहाँ जाएगी। ठीक है, ये देखिए सवा इंच और ये सवा इंच। ठीक है, ये देखिए इतना सवा इंच यहाँ इसका मार्किंग है, ये भी सवा इंच का मार्किंग है। यहाँ से हमें ये सवा इंच पर ऐसा राउंड शेप में थोड़ा हल्के से करना है, और यहाँ पर भी हमें उसको राउंड शेप में हल्के से इसे यहाँ से ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी हमें इसको कट निकाल देना है, उसको हमें कट करेंगे। ठीक है, अगर आपको सवा इंच पता नहीं चलता है तो आप मेरी एक बार वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने पहले वीडियो में मेजर टेप का भी आपको बता दिया है कि मेजर टेप कैसे उसको पहचानते हैं, सवा किसको कहते हैं, डेढ़ किसको कहते हैं। क्योंकि मेरी जो वीडियो रहेगी उसमें मैं सवा, डेढ़, पौने दो यही एक्सप्लेनेशन में करूँगी, तो आपको एक बार मेजर टेप पता होना चाहिए कि मैं जो सवा बोलती हूँ उसे कैसे, सवा कैसे किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ जाके वो भी वीडियो देख लेना मेरी। और अभी हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमें चारों चार कपड़ों में कट करना है, पूरे चारों चार कपड़ों में यही कट करना है हमें, और हल्का सा ये राउंड लेना है। देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ, पूरा कट हो रहा है ये हिस्सा हमारा। इसमें हमें वेलक्रो चाहिए, हमें 2 इंच का वेलक्रो 2.5 इंच का वेलक्रो चाहिए हमें। तो आप वेलक्रो भी प्लीज़ खरीद के रख लीजिएगा थोड़ा, जब वेलक्रो वाला मास्क बनाना है तो हमें 2.5 इंच जितना वेलक्रो चाहिए। ठीक है, अभी हम इसकी आपको कटिंग, ये देखिए अब कटिंग हो गई है, अब हमें आपको सीना बताएंगे इसका। ठीक है, ये हमारे चार पीसेस में है, ये देखिए चार पीसेस में है ये हमारा, ये देखिए हमारा ये दो और ये दो, ये दो पीसेस है और ये दो पीसेस है। ठीक है,
ओके, अभी हम आपको सीना बताएंगे इसका। हम अब दोनों को जोड़ेंगे। पहले इसको एक गोलाई में जोड़ेंगे, एक ही कपड़ों में इसको दोनों को। ये राउंड में आधे इंच पर सिलाई लगाएंगे हम राउंड में। और वैसे ही हम दूसरे हिस्से को भी राउंड में सिलाई लगाएंगे आधे इंच की दूरी पर। राउंड में सिलाई लगाना है हमें, ध्यान रखें, सीधा सिलाई नहीं लगाना है हमें। जैसे कपड़ा का शेप है वैसे ही सीना है, और बारीक बारीक कट करना है हमें, क्योंकि हम उससे आसानी से वहाँ पर वो अच्छे से उसका शेप आ सके वो हिसाब से। और अभी ये देखिए दोनों मैंने खोल दिया है, पॉइंट टू पॉइंट सामने रखना है। ये देखिए दोनों के सांधे है ना, जो दोनों सामने सामने रखना है, और यहाँ पर भी वैसे ही रखना है, दोनों सामने सामने रखना है। चाहिए तो आप दोनों कपड़ा अलग अलग भी कर सकते हैं साइड पे, और एक ही जगह पर भी रख सकते हैं। अब ये दोनों कपड़े पकड़कर हमें आधे इंच पर सिलाई लगाना है, पूरा यहाँ पर से सिलाई लगाना है। हम सिलाई लगाएंगे इसको, जैसे शेप है वैसे ही हमें सिलाई लगाना है। थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आके वैसे ही सिलाई लगाना है, पूरा सीधा सीधा सिलाई नहीं है, मार्क्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर और थोड़ा यहाँ पर एकदम स्ट्रेट। और यहाँ पर से हम उसे ऐसा करके जाएंगे, आधे इंच पर ही सिलाई जाएगी, सब एक जगह पर खुला रखेंगे, वहाँ से हमें उसे पलटाना है वो हिसाब से। यहाँ पे हमने पैक कर दिया है तो वहाँ पर हमारा खुला हिस्सा है। ये सांधा तो सांधा जॉइंट बराबर करना है, नहीं तो मार्क्स अच्छा नहीं बैठेगा, फिटिंग अच्छी नहीं बैठेगी। तो हमें उसका जो शेप है वो ध्यान रखना है यार्ड से मशीन लगाने के टाइम पे कि शेप सही हो। और यहाँ पर देखो खुला रखा है हमने, ये मशीन नहीं लगानी है, ठीक है। अभी हमें यहाँ से उसे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सलिया है मेरे पास, तो उसकी मदद से हमें उसे पलटाना है। जहाँ से हमने पैक किया था वहीं से हम उसको पलटा के बाहर की तरफ निकालेंगे, और थोड़ा उसे पुश करेंगे कि ये दोनों तरफ से स्क्वायर का हिस्सा आ जाए बराबर से बाहर। देखिए हमने पूरा उसे पलटा दिया है। अभी पलटाने के बाद हमें उसको थोड़ा अच्छे से ये पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के निकालना है, और यहाँ से भी पॉइंट टू पकड़ निकालना है, ये देखिए, और यहाँ पर ऐसा स्ट्रेट करना है परफेक्टली। और यहाँ से हमें दाब मशीन लगानी है, दाब मशीन ये दोनों जो वहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी ना उसी कपड़ों पे वापस सिलाई लगाना है उसे सीधा करके, इसे दाब मशीन कहते हैं। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और अच्छा सा कपड़ा बैठ जाता है हमारा। हमें पूरी तरह से दाब मशीन लगानी है अच्छे से। बराबर से सिलाई टू सिलाई आनी चाहिए कॉर्नर पर, और उसे पकड़ के हमें कॉर्नर पे ही लगाना है, बीच में नहीं लगाना है ज़्यादा। और यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर खुला हिस्सा है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर अभी, और दूसरी जगह पर लगाएगी मशीन। हमें दूसरी जगह पर भी वही हिसाब से लगाना है जैसे हमने वहाँ पर लगाया, पॉइंट टू पॉइंट, और कपड़ा बराबर से निकालना है। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर वो हिसाब से एकदम कपड़ा सही निकालना है, दोनों कपड़े की सिलाई बराबर दिखनी चाहिए, और वहीं पर हमको मशीन लगाना है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर में मशीन ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया है। सफाई का ध्यान रखिए, और प्लीज़ ये झोल ना आए वो ध्यान रखिए। अगर थोड़ा भी कपड़ा यहाँ पर क्रॉस होगा या फिर कुछ होगा तो कपड़ा क्रॉस ये हो जाएगा,
और यहाँ पर जो खुला है उसे हम मशीन ऐसे फोल्ड कर देंगे। हमें 2.5 इंच जितना वेलक्रो चाहिए। अगर कपड़ा वाइट रहेगा या कुछ ऐसा रहे तो वाइट ले लो, नहीं तो फिर ब्लैक। हमें 2.5 इंच जितना कपड़ा ये चाहिए वेलक्रो वाइट वाला, देखिए 2.5 इंच है। अभी एक हिस्सा हमें सामने की तरफ लगाना है, ऐसा थोड़ा फोल्ड कर दें हम, और एक हिस्सा यहाँ पर हम लगाएंगे और उसका दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ लगाएंगे, पर दूसरी तरफ अपोजिट लगाएंगे। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लगाया है तो अभी दूसरी जगह उसके पीछे की तरफ लगाएंगे। बताती हूँ आपको, ये हमको मशीन लगाना है बराबर से। साइज माप ले एक बार कि हमको परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। वैसे तो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर 13.5-14 के बीच आसपास ही रहती है, तो हमने भी वही माप से रखा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अभी तक लगाना है दूसरा माप वेलक्रो, ऐसे चिपकेगा तो हिसाब से हमें ये तरफ लगाना है। और हमें नाप लेना है पहले कि हमारी गोलाई कितनी है, हमारे सर की गोलाई कितनी है। अगर हमें नहीं पता तो हम नाक से लेके पीछे की तरफ माप सकते हैं, 1/2 इंच जितना आता है हमारा उसका हम डबल ले लेंगे। और यहाँ पर ही हमें दूसरा हिस्सा जो वेलक्रो का है वो हम यहाँ लगाएंगे। आगे पीछे हम लगा सकते हैं, अगर हमारा थोड़ा आगे पीछे रहता है साइज़ तो हम उसके हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें मशीन लगाना है। परफेक्ट मशीन, चारों ओर मशीन लगाना है बराबर से वेलक्रो की, क्योंकि फिटिंग अच्छी रहेगी इसकी तो निकलेगा नहीं जल्दी। ये देखिए अच्छे से हो गया है और ऐसे ये चिपकेगा ऐसे, ये देखिए साइज टू साइज परफेक्टली आई है। ओके, और ये मार्क्स हमारा रेडी हो गया है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। ये देखिए गोलाई उसकी, और ये पॉइंट है नोज़ के पास का। ये हमारा मार्क्स बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल अमतुल्ला रीडा हाउस को सब्सक्राइब करें, जिसने भी नहीं किया वो भी कर ले प्लीज़। मैं हर वीडियो में कहती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, व्यूज़ आते हैं सब्सक्राइब नहीं आता, तो प्लीज़ फ्री में है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो पर। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, अमतुल्ला रीडा हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सभी वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।